नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बीते दिनों पहले चरण का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। 58 सीटों पर ये मतदान हुआ था। वहीं अब दूसरे चरण को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। सभी दल जो है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लगातार जनसभाएं हो रही हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो टिकट हैं उनको लेकर भी कई प्रकार के कह सकते हैं कि असमंजस बने रहे, और जिस प्रकार से अब समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्षेत्रों के, उससे कहीं ना कहीं अब एक स्थिति भी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सपा नेता और समाज सेवी धर्मेंद्र प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं और जिन पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा इसके बारे में विस्तृत तौर पर हम जानकारी साझा करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त समाज सेवी व सपा नेता धर्मेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। नमस्कार आपको जी। तो धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, बहुत ही जल्द अब दूसरे चरण और फिर सातों चरण का मतदान जो है पूरा हो जाएगा और 10 मार्च को जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी के आप युवा नेता हैं, किस प्रकार से देखते हैं अपने पार्टी की भूमिका को, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और क्या कुछ आपने अपने क्षेत्र में इस वक्त लहर समाजवादी पार्टी की देखी है? देखिए, हम लोग विपक्ष में भी बैठकर लगातार, जब हमारी सरकार 2012 में से 17 तक थी, उस समय भी हमने लोगों ने बहुत ही कार्य किए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उसके विकास सबको दिखा, पूरा उत्तर प्रदेश ने विकास दिखा। विकास की कहीं भी कोई भी दिशा में आप देख लीजिए, हर जगह पर आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विकास दिखेगा। और बात माननीय मेरी विधानसभा 196 की है, जब हमारे पूर्व विधायक जी, अभी जो अरविंद सिंह यादव जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में दो बार विधायक बने, पूरे छिबरामऊ विधानसभा में विकास किया। बल्कि अभी विधायक जो हैं, कोई कार्य नहीं हुआ जी। सभी कार्य हमारे विधायक अरविंद सिंह यादव जी के ही कार्यकाल में हुआ और जनता उनको बहुत ही अच्छे नजरिए से देख रही है, साफ सुथरी पहचान है और हर वर्ग का लोग हमको वोट दे रहा है और हर 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 जो कार्य होता है उसमें वो पहुंचते हैं और सभी वर्ग उन्होंने किया है, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो सौसैया हॉस्पिटल का हो, चाहे आप देख लीजिए जहां भी समाजवादी कोरोना काल में जो भी गतिविधियां हुई उसमें सभी कितनी त्रुटियां हुई आपने सब लोगों ने देखा होगा, चैनल के माध्यम आप तो एंकर हो जी, वहां पर माननीय अरविंद सिंह यादव जी पहुंचते थे, उनका राशन से लेकर पूरा लॉकडाउन में उन्हीं का सब कुछ पहुंचता था। तो हमारी विधानसभा बहुत मजबूत है और हम लोग बहुत अच्छे 30,000 से 40,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं और माननीय हमारे अरविंद विधायक जी बनने के बाद कैबिनेट में फर्स्ट मंत्री भी बनेंगे जी। वहीं पर अगर जिस प्रकार से अभी आपने विधानसभा सीट को लेकर बात की है, तो जो आपकी विधानसभा सीट रही उस पर कुछ चर्चाएं जो थी वो गर्म हो गई थी कि सीट का बंटवारे को लेकर कुछ एक तनातनी का माहौल हो गया था, कई लोग ऐसे थे जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जिसके बाद एक स्पष्ट तरीके से जो नतीजा निकल कर सामने आया उसमें कह सकते हैं कि यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इसको और जो एक टिकट बंटवारे को लेकर जो एक असमंजस था, क्या इस बात में सच्चाई है और क्या कुछ स्थिति थी? नहीं, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये इस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार होता है जी, ठीक है, अपना नामांकन करने का, ठीक है, और जो लोगों ने नामांकन किया वो भी लोग समाजवादी थे, लेकिन हमारे साथ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको टिकट दिया, जहां जहां भी दिया, हमारे उत्तर प्रदेश में सभी लोग एक साथ हैं और सभी लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसको टिकट नहीं मिला उसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, और सभी लोग साथ में हम लोग चुनाव में बैठकर बात की है
और सब लोग साथ होकर वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। अपना समाजवादी जो हमारा प्रोटोकॉल है या जो हम लोगों ने वादे किए हैं वो वादे हम लोग बता रहे हैं, और हमने जो 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जी ने जो कार्य किए हैं और उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जनता को सबको मालूम है। हमारे लोगों में ऐसा कोई नहीं है कि बंटवारे की कोई बात हो, और ना कोई बंटवारा वोट में होने वाला है। सभी समाजवादी लोग साथ में हैं, सभी लोग साथ में अपना चुनाव कराएंगे। जी, वहीं पर अगर हम टिकट बंटवारे की बात कर रहे थे तो ताहिर हुसैन का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आया था, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी बावजूद इसके ताहिर हुसैन को कह सकते हैं कि टिकट ना देकर अरविंद यादव को टिकट देना, किस प्रकार से देखते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर ये यादव वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई थी तो अरविंद यादव के अलावा भी और यादव प्रत्याशी उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार से अरविंद यादव के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है और क्या कुछ इस चुनाव में अरविंद यादव की एक अहम भूमिका रहने वाली है जिस पर समाजवादी पार्टी इस बार वोट की अपील कर रही है। देखिए आप, माननीय ताहिर हुसैन जी भी अच्छे नेता हैं और अरविंद यादव जी भी, सभी लोग समाजवादी हैं, और विधायक जो अरविंद विधायक जी को टिकट मिला है तो ये सब उनका पुराना जो कार्य रहा है। हर जगह उन्होंने जो विकास किया है छिबरामऊ में, आप देख लीजिए, चाहे सौसैया का अस्पताल हो, चाहे आप महिला का स्कूल कॉलेज हो, उसमें सभी विकास किए हैं। तो माननीय अरविंद सिंह यादव ही जी ने विकास किए हैं। तो आप अपन लोग जब एक स्टडी करते हैं, किसी के पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं तो उसमें सब रिकॉर्ड देखे जाते हैं, रिकॉर्डिंग देखी जाती है और सर्वे किया जाता है। तो माननीय अरविंद विधायक जी से सभी लोग संतुष्ट थे, उनके कार्यों से संतुष्ट थे, और तो उनको टिकट दिया गया। और तो सभी समाजवादी, ये मुद्दा कोई हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। सब लोग हमारे ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी भी साथ में है, सभी लोग साथ में है, कोई भी सभी प्रत्याशी साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी नेता साथ में है। हम लोगों को कन्नौज जिले में ऐसा कुछ नहीं है। कन्नौज जिले में कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी है, ऐसे में एक कद्दावर नेता माने जाने वाले उनको वो टिकट ना दिया जाना जबकि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, सपा के एक दिग्गज नेता के रूप में भी सामने आते हैं। ऐसे में अरविंद यादव पर विश्वास जताना कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी अरविंद यादव को मिल चुकी है। वहीं मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आपने अरविंद यादव की भूमिका के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त जो अपनी रहे हैं उनको भी गिराते हुए नहीं थक रही है। उन्होंने कहा कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, कोरोना काल में हमने कोरोना नियंत्रण जिस प्रकार से किया है वो बहुत ही सराहनीय था, उत्तर प्रदेश का नाम सूची में सबसे ऊपर दिखाई देता है। वहीं पर उन्होंने कई तरीके के दावे पेश किए हैं कि किसान सम्मान निधि हो गई, या फिर उन्होंने कन्या सुमंगला योजना हो गई, और हर गरीब के घर तक उन्होंने गैस पहुंचाई है। ऐसे मुद्दों के बीच में समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है, आपके क्षेत्र में ऐसा क्या मुद्दा है जिसमें भाजपा आपको विफल नजर आती है और लोग आपकी पार्टी पर विश्वास जताएंगे? ये वादे सब उनके खोखले हो गए हैं जी। ठीक है, जनता के प्रति जिन्होंने, आपने देखा होगा, भाजपा के वादों की बात करते हैं, 15 लाख नौकरियों की बात की थी, अरे 15 लाख अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी पूरे भारत देश में, ठीक है, और कोई वादा नहीं हुआ, सिर्फ गुंडागर्दी हुई है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे अभी गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, अभी रेप हो जाता है, महिलाओं को चीर हरण हो जाता है जिला पंचायत चुनाव में, आपने देखा नहीं? तो इनकी क्या, जनता सब कुछ जानती है, इनके मुद्दे सब खोखले हैं, सिर्फ चुनाव के बाद तक इनके मुद्दे रहते हैं, बाद में कोई मुद्दा नहीं। जनता, व्यापारी, नौजवान, सभी लोग परेशान हैं, शिक्षा के, महिलाएं भी परेशान है। जब सिलेंडर तो दे दिया इन्होंने, लेकिन सिलेंडर की जो अभी अभी आपने देखी है राशि 1000 रुपीज थी, 1000 रुपए, 1000 रुपए कैसे किसान अपना करता है या जो मजदूर जाते हैं वो कैसे अपने को एडजस्ट करते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं कर पा रहे। किसानों की तो ये पार्टी है ही नहीं, ना नौजवानों की पार्टी है, ना व्यापारियों की पार्टी है, ये तो चंद उद्योगपतियों की पार्टी है, गिनती के उद्योगपतियों पार्टी है, और किसानों की पार्टी नहीं है। ये तो सपने दिखाते, अभी चुनाव तक सपने दिखाएंगे, उसके बाद ये योजनाएं और ये राशन आसन है सब बंद कर देंगे, और किया है इन्होंने। तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरह इनको बैठाला था,
किस तरह उम्मीद से इनको वोट दिए, हर वर्ग ने इनको वोट दिए और हर वर्ग ने इनको वोट देकर इतने अच्छे उत्तर प्रदेश मिलाए। और आज जनता इतनी परेशान है, गरीब नौजवान ऑटो वाले रिक्शा वाले किसी से आप बात कर लीजिए, किसानों से बात करिए, किसानों फसल उगाता है, फसल के बाद ये जो आपने सांड है जानवर है फसल खराब कर देते हैं, 4,000 के तार लेकर अपने रात में सो नहीं पाता है किसान, तो ये तो खोखले हैं, इनके वादे खोखले हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खोखले वादे करते हैं। अभी एक महीने वादे करेंगे, उसके बाद चुनाव के बाद अपने फिर बैठ जाएंगे, कोई वादे नहीं। हमारी समाजवादी पार्टी जो वादा करती है, पहले लैपटॉप का वादा किया, लैपटॉप दे दिया, जो भी कन्या विद्यादान हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी वादे किए वो अपने करके निभाए, नौजवानों को नौकरियों की बात थी नौकरियां की, हमारा हाईवे देख लीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और उनके 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 कार्यकाल के जो वादे देख लीजिए और या हमारे वादे देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए रेशियो किन के वादे हुए और कितनी नौकरियां मिले। और इसमें भाजपा में 12 से लेकर 17 में हम थे, उसका रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट हुई, कितना रेप हुआ, और हमारे हमारे कार्यकाल में देख लीजिए कितना कितना स्वच्छ सरकार चली है और निष्पक्ष हमारे यहाँ काम होता था। ये सिर्फ वादे करते या करते कुछ नहीं है जी। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से ये बात तो पूरे प्रदेश की हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी विधानसभा की किस प्रकार की समस्या है, आप जनता के बीच में पहुंचते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होंगे, जनसंपर्क के माध्यम से भी लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे, ऐसे में लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से बीते 5 वर्षों में विकास कार्य हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने विकास कार्यों का दावा ठोकती है और कहती है कि हमने तो भाई विकास कार्य बहुत ज्यादा किया है, सपा सरकार में इतना विकास नहीं किया गया। आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं जो आपको दिखाई दे रही है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, जैसे बड़े नेता भाजपा के टूटकर समाजवादी पार्टी में आए हैं, ऐसे ही हमारी विधानसभा में कार्यकर्ता, ठीक है, इनके कार्यकर्ता हर्ष वर्ग का, पाल समाज का, लोधी समाज का और जितने भी समाज हैं अपने, और सब लोग हमारे कार्यकर्ता आए हैं इस पार्टी में, और साक समाज तो इस तरह परेशान हो गया, उसके साथ उत्पीड़न किया इन लोगों ने, तो हमारे हमारे साथ हर वर्ग का लोग जुड़ा हुआ है और हर वर्ग हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, हर डोर टू डोर जा रहे हैं, माताएं बहनों से मिलते हैं, माताएं बहनों का सिर्फ एक ही नारा है, अब की बार 196 विधानसभा में अरविंद सिंह यादव को जिताना है और भारी मतों से जिताना है, हर वर्ग का वोट मिलेगा हमको और अब की बार कैबिनेट में पहुंचेंगे माननीय अरविंद सिंह यादव जी। जी वही धर्मेंद्र जी, अगर हम बात करें आपके बारे में, तो जिस प्रकार से आपने अभी अरविंद यादव के बारे में बात कर ली, समाजवादी पार्टी और वर्तमान सरकार के बारे में बात कर ली, अगर हम आपका देखें तो जिस तरह से सपा के युवा नेता रहे हैं, साथ ही साथ आप समाजसेवी भी हैं, समाजसेवी के रूप में क्या कुछ भूमिका आपकी रही है, किस प्रकार से आप क्षेत्र की जनता के साथ में अपने समन्वय स्थापित करते हैं और किस प्रकार से आप समाज सेवा में कार्य करते हैं, इसके बारे में जानकारी। अच्छा क्वेश्चन किया। सन 1983 में मेरे फादर जी स्वर्गवासी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह यादव जी यहाँ छिबरामऊ में आए थे, तो वो उन्होंने बहुत सेवा की इस क्षेत्र की, सभी जनता जानती है, यहाँ तक कि पूरा कन्नौज जिला भी जानता है मेरे पिताजी को, समाज सेवी के रूप में काम किया। मेरे फादर सीए से 2017 में एक्सपायर हो गए, तो जो वहां जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता था तो उनके लिए रोने लगता था जब उनकी फोटो देखते थे, तो मुझे उस टाइम बहुत ही एक उत्साहना आई कि जब मेरे फादर के लिए लोग इतना चाहते हैं तो मुझे वहां समाज सेवी करने का फिर एक नया आइडियल पर्सन के रूप में हम सोचने लगे, और हमारा लोगों का फिजिस कर्तव्य होगा, एफोरिज्म में आर्गन और मेडिसिन में हम लोगों को पढ़ाया जाता, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर इज स्टर्न। तो तभी से मैंने करीब 6 वर्षों से मैं समाज सेवी में गए, और जो भी मेरे द्वारा मदद होती है मैं मदद करता हूँ, और अपनी समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों पे चलता हूँ, और जितनी मदद हो सकती है मेरे द्वारा मैं करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 4 बजे। और बताना चाह रहा था कोरोना काल का, कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकलते थे तो मैं पेशेंट को लेकर
किट लेकर मैं आगरा से कानपुर लेकर, जानते हैं हमारे साथी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने पेशेंटों को पहुंचाया अपनी निसंदेह कोई डर के साथ नहीं, मैं बताता था कोई डर नहीं, सबसे पहले जीवन लोगों का है जीवन, मैंने उन्हें ऑक्सीजन दिलवाया, मैं उन आगरा में एडमिट कराए, जब बेड नहीं मिलता था तो मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टरों से बात करता था, और आज ही छिबरामऊ में कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जो कोविड से ऑक्सीजन से जूझ रहे थे, उनको आगरा कराया और सौसैया में कराया वो अलग। तो हमारी सेवाएं रात दिन रही हैं, और कोरोना काल में जो भी रहे समाजवादी लोग रहे, और हमने तो जो वर्क किया है किया ही है, और हम सभी समाजवादी कह रहे हैं कोरोना काल में हमारे सभी समाजवादी लोग आए और खुलकर हमारे पूरे 196 विधानसभा में सबने मदद की, और माननीय अरविंद सिंह विधायक जी का कहना था कि जो भी हेल्प हो राशन से लेकर हम लोगों ने सभी हेल्प की जी। वहीं जिस तरह से कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल संचालित करते हैं, समाज सेवी के रूप में भी आप कार्य करते हैं, अभी आपने कोरोना काल का जिक्र किया, किस प्रकार की स्थिति थी आपके क्षेत्र में, जनता को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और क्या कमियां आपको इस वक्त सरकार की दिखाई देती हैं, जो आप अपनी सरकार में जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा? देखो बहुत ही भयावह स्थिति थी उस समय 2019 में, इतना भय था कि किस आपको बता नहीं सकते थे, लोग निकल नहीं सकते थे ना सब्जी के लिए ना किसी के लिए, और जिसको कोविड हो जाता था उसके घर का तो बहुत बेहाल हाल था, तो समाजवादी लोग ही घर डोर डोर टू डोर राशन पहुंचाते थे, सब्जियां पहुंचाते थे, ऑक्सीजन सौसैया अस्पताल समाजवादी की देन है, समाजवादियों ने बनवाया है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती थी, सिलेंडर अवेलेबल था बहुत ही, जो स्थित आपको लोगों को पता होगी कन्नौज जिले के क्या पूरे प्रदेश की भी पता होगी, बहुत ना ऑक्सीजन मिलता था ना कुछ, तभी तो वो हमने बात रखा है कि हम लोग जब यहाँ पर नहीं कुछ अवेलेबल हो पाता था तो बड़े डॉक्टरों से बात करके मैनेजमेंट से बात करके उनकी जान को सेव किया, और इस सरकार में कोई भी कोरोना काल की गाइडलाइन में सब लोग नेता लोग अपने घरों में बैठे थे, कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ देख रहा था, समाजवादी कार्यकर्ता दिख रहा था और समाजवादी लोग दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था जी। तो जिस तरह से अभी हमने इस बात का जिक्र किया कोरोना काल को लेकर जिस प्रकार की स्थिति थी, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर तमाम तरीके की घोषणाएं और कह सकते हैं जनसभाओं का दौर जारी है, इसके साथ ही जुबानी हमला जो है वो भी बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी को लेकर एक बात बार बार कही जा रही है, सभी दलों के द्वारा कही जा रही है कि भाई समाजवादी पार्टी यानी गुंडों की पार्टी, एक छवि बना दी है कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी होती है, ये लाल टोपी वाले जो है ये गुंडा गर्दी करते हैं, कानून का राज खत्म हो चुका था 2017 से पहले, भैंस चोरी के उसमें कह सकते हैं कि मामले दर्ज होते थे, पुलिस भैंसों को ढूंढा करती थी, अब पुलिस कार्य कर रही है, रेप की वारदातों पे कहा जाता था कि रेप पहले बहुत हुआ करते थे, हमने रेप के रेट को कम कर दिया है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के ये आरोप है और इन पर जो आप स्पष्टीकरण है आपकी पार्टी को लेकर वो क्या है? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अभी जो जहां जहां जाते हैं वहां की भीड़ देखकर सभी भाजपा के लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे लोग हैं जो गुंडों की बात करते हैं, गुंडों की बात इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निष्पक्ष चेहरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात करते हैं ये बात करने लायक नहीं है, उनका इतना साफ सुथरा कार्य चल रहा है, जनता पूरी जानती है, बच्चों बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, आप कभी जाइए छोटे बच्चों से पूछिए वो भी कहेंगे ये लाल टोपी वाले होते हैं जो मदद करते हैं, ये लाल टोपी वाले ही मदद करते हैं, वो ये ऐसे ही बोलेंगे, अगर आप पूछो बच्चों से कौन मदद करता है आपकी तो वो कहेंगे लाल टोपी वाले मदद करते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डरे और सहमे हैं जो ऐसी बात करते, गुंडागर्दी की बात करते हैं, अभी आपने देखा गोरखपुर में जो व्यापारी का कांड हुआ है, ये गुंडागर्दी नहीं थी जो पुलिस से मारा गया, ठीक है, उनके उनके घरवालों से पूछिए, उनके घरवालों से क्या बीतती है, वहां पहुंचने के बाद जो भी मदद करते हैं, राशि की मदद करते हैं, रुपए की मदद करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, ये लोग नहीं करते, या गुंडों की बात करते, गुंडों की बात ये इनको करना चाहिए, जो गुंडे खुद इनके गुंडे हैं, जो अभी अभी हमारी विधानसभा में कितना उत्पीड़न किया है भाजपा के लोगों ने, आपको नहीं दिखता है, आप लोग एंकर लोग आपको पता होगा कि ये लोग गुंडे करते, अगर इतने डरे हुए सहमे नहीं हुए तो मान लीजिए गृहमंत्री जी लोग ये डोर टू डोर जा रहे हैं, इनको जाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को यहाँ के आने की जरूरत, ये इतने डरे हुए लोग हैं जो गुंडागर्दी की बात करते हैं,
ठीक है, ये खुद गुंडागर्दी की बात करते हैं, अपने दामन को साफ करना चाहते हैं, दामन सबका इनका खराब है और ये दामन से सब खून की छींटों से लदे हुए हैं। ये बात नहीं करते रात में जिस जो रेप हुआ है रात अभी, उनकी बात नहीं करती, बच्ची को सब नहीं दिया गया है, ठीक है, हाथरस की बच्ची का सब नहीं दिया है इन्होंने, और रात को जला दिया, इनको डर ना होता, गुंडा ना होते ये लोग तो ये सब जलाते। उस माता उस बहन से पूछिए जिसकी बच्ची थी, उसका सब सब नहीं दिया इन लोगों ने और उसका सब जला दिया उनको। ऐसा करना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। आप जिला पंचायत का चुनाव रखते हैं, गुंडे की बात की तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि इन्होंने चीरहरण का काम किया, जो महाभारत में की बात या कलयुग का इन्होंने ऐसा किया है कि माता बहनों के बीच में चीरहरण किया है। ये आपको मालूम होगा, ये भाजपा की पहचान है, भाजपा का चेहरा है ये। हमारे हमारे सपा में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी सपा ने लोगों की गरीबों की मदद की है और महिलाओं का सम्मान रखा है और उनको हेल्पलाइन दी, महिला हेल्पलाइन दी है। ये सब खंडन की बातें हैं, मैं इसको बिल्कुल अधीर करता, जो भी होती गुंडागर्दी इनकी सरकार में हुई, 5 साल सरकार में हुई है और बुरी तरीके से हुए है जी। जिस तरह से अभी आपने समाजवादी पार्टी की जो छवि है जिस प्रकार से खराब की जा रही है उसके बारे में अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया है, और आपका मत जो है वो स्पष्ट है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि इस बार समाजवादी पार्टी में जो जोश है अब वो हाई हो चुका है, और जिस प्रकार से समाजवादी की छवि बनाई जा रही है वे बेहद गलत है। आखिरी कमेंट में आपसे जानना चाहूंगी, जनता आपको देख रही है, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता इस वक्त आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? हाँ, हम मेरी जनता जो विधानसभा है उसको मैंने डोर टू डोर जाकर पूरी विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा है 196, आपको जानकारी भी होगी, माननीय मेरे आर्य अरविंद विधायक जी डोर टू डोर लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, और कार्यकर्ता लोग जाते हैं, वो तो जाते हैं, कार्यकर्ता लोग पहुंचते हैं तो समाजवादी लोगों को इतना सम्मान मिलता है, तुरंत कुर्सी आती है, चाय आती है। लेकिन भाजपा वालों को अगर हम लोगों ने काम ना किया होता तो भाजपा वालों लोगों को तरसकाए, तो आप देख नहीं रहे हैं कि कितना कितना जाट लोगों ने अभी जहां जाते हैं उनको भगाया जाता है, भाजपा के विधायकों को, ठीक है, डंडे पड़ते हैं, कारें फोड़ दी जाती हैं, भागते हैं, ठीक। अगर इन्होंने कार्य किए होते पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हमारी विधानसभा की तो दूर बात है, हमारी विधानसभा में तो कुछ किए ही नहीं है, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हर विधायक को मार के भगाया जा रहे हैं इनके विधायकों को, और इनके विधायकों को डोर टू डोर जाने की हिम्मत क्या है, जैसे चलते हैं इनको वहीं पर ब्रेकर कर दिया जाता, रोक ली जाती है, जनता कहते काले झंडे इनको दिखाती है, इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। और ये भी बताना चाह रहे हैं, आपने मेरे मेरे विधानसभा की बात की है, मेरी विधानसभा में जितना कार्यकाल हुआ है माननीय अरविंद सिंह यादव जी के द्वारा हुआ है, और ये 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, गड्ढा, ये कहते थे गड्ढा मुक्त सरकार, आप आइए कन्नौज कभी सर्वे तो आपने किया हो, यहाँ गड्ढा युक्त सरकार है, छिबराबू की बात नहीं करते हैं, पूरे विधानसभा की बात करते हैं, और आप कन्नौज में देख लीजिए, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में दीजिए, इन्हें वादा किया था कि मैं गड्ढा युक्त सरकार गड्ढा मुक्त सरकार बनाऊंगा, इन लोगों ने गड्ढा युक्त सरकार बना दी है, गड्ढों को नहीं भर पाया है तो सड़क क्या बनवाएंगे, ये इन्होंने गड्ढों को नहीं भर पाया, इसलिए हमारे कार्यकाल में हॉस्पिटल, पहले तो अभी हॉस्पिटल तो बनवाए हैं, हॉस्पिटल पर रोजगार होगा, नौजवानों पर रोजगार होगा, व्यापारियों की रोजगार होगा, व्यापारियों के लिए देखभाल सब देखा जाएगा, कृषि पर मजदूर गन्ने का भुगतान टाइम से होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी, और लैपटॉप की व्यवस्था होगी, समाजवादी कैंटीन की भी व्यवस्था हो रही है 10 रुपए में, और ऑटो चालकों के लिए पेट्रोल भी होगा फ्री, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वचन पत्र है उसमें किसानों के लिए बहुत कुछ है, समय पर गन्ना का भुगतान होगा, समय पर राशि दी जाएगी, सबसे ज्यादा तो इस सरकार में किसान ही परेशान हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बताने का इतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो माननीय मुलायम सिंह यादव थे जमीनी नेता थे, और जमीन से उठकर बेचारे उन्होंने इतनी मेहनत की है, और किसानों के लिए ही उन्होंने लोहिया के विचारों पर कार्य किया है, तो हम लोग किसानों के लिए समाजवादी पार्टी बनी है, और नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं इस सरकार में उनको पहले काम दिया जाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा,
सभी को जब रोजगार मिलेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा इनका। धर्मेंद्र जी माफी चाहती हूँ मुझे आपको, धर्मेंद्र जी मैं माफी चाहती हूँ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ प्राइम चर्चा में धर्मेंद्र प्रताप यादव सपा नेता जुड़े हुए थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी है, जहां पर वो शिबरा मऊ क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समस्याएं शिबरा मऊ की जनता के बीच हैं और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। ऐसे में जनता से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।